तो कानों में पहनती है, नाक में पहनती है ना लेडीज लड़की। लेडीज लड़की कौन सी? अरे यार भाई, लेडी शादी के बाद होती है, लड़की शादी से। अब आया समझ। लेडीज फिंगर जानते हो? पिंडी पकड़े हुए आप उसको दिखा मैं कैंची काट लेडी मेरे पास। ठीक है तो ये समय क्या है, यहाँ एंडोथियम में रहते हैं, इनको सबको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले ये चिमटी से और ये बड़ी स्टेज वाली बताऊंगा अभी, आसानी से हट जाते हैं, बहुत इजी है इसमें। इन सबको क्या इसमें से अपन ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे फिर अपन क्या करते हैं, सब कर दिया, एक भी रहना नहीं चाहिए, और इसमें ये कर दी कॉटन कैप कर दी। ठीक, और ये जो लेबल रहता है निकाल के और इसमें लगा देते हैं, नाम वाम लिख के, इसको मेल लिया फीमेल लिया जो भी है ना, क्या करेक्टर क्या फीचर है अलग अलग लाइन। अब कोई ओपन जैसे ये फ्लावर लाए, ठीक ये लिया, अब इसमें से क्या है पेटी डिश वगैरह भी होती है। ठीक है, जो एकदम अर्ली मॉर्निंग में कराते हैं जो निकलता है आपका अंतर प्रॉपर। अब इसमें क्या है, ले जाके और ये टच नहीं होना चाहिए, ऐसे इसको कर देते हैं, इसमें ये पाउडर सा लग गया है ना। अब ये क्या है, पॉलिनेशन का कार्य कर दिया, एक दो दिन बाद क्या है शुरू हो जाएगा, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए सॉइल में, जो भी उसकी न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। फिर से कॉटन कैप कर दिया आपने, है ना, ऐसे आप बहुत ज़्यादा 10-20 कर सकते हैं। फिर आज ऐसे इवनिंग टाइम में आपने मैस्कुलेशन करा दिया, मॉर्निंग टाइम में पॉलिनेशन करा दिया। पॉलिनेशन मोस्टली क्या है, मोस्टली क्रॉपों में मॉर्निंग में ही होता है, मैस्कुलेशन एक बार कभी भी करा सकते हैं, फिर डिपेंड करता है आपका जो फील्ड का कंडीशंस कैसी है, वेदर कंडीशंस कैसी है। ठीक है, स्टेज कैसी है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो स्टेज है मैंने एक दो दिन पहले जल्दी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और जो रोज़ करते रहते हैं प्रैक्टिस रहती है वो भी, उनके जो यंत्र वगैरह औजार रहते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है उनमें। ठीक है, आपको ये आना चाहिए, ये फ्लावर भी मैंने थोड़ा सा लेट वाला, इसमें पोलन बहुत कम थे, अब इसमें ज़्यादा हेल्दी है, नया है, मीन्स ऐसे आज ही खुला है कोई पोलन मॉर्निंग में, वैसे फ्लावर का आपको सिलेक्शन करके उस पर पोलन डालना है। बाइबल रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और सफिशियंट मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है, ये तो अब ये भी बड है, तो ये दो दिन बाद शुरू होगी। इससे भी और ऐसे कल भिंडी बनने वाली है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, वो चीज़ें हैं, तो वो क्या है और भी देखो बड़ा उसमें करवाऊंगा मैं बड़ी में। तो सर मैस्कुलेशन करवा दिया, उसके कितनी देर बाद फिर पॉलिनेशन करवा सकते हैं? 2-3 दिन तक चलता है, फिर आपको अनुभव होना चाहिए, जैसे कि अभी इसमें मॉइस्चर कम है। ठीक है, स्टेज कैसी सुनी है, अब ये तो एक हफ्ते तक चल जाएगी अगर इसमें, अगर आपने आज मैस्कुलेशन कराया है, इसमें नमी पर्याप्त है, अगर एक हफ्ते बाद भी आप इसमें वो डालोगे, वैसे 3 से 6 दिन 7 दिन तक चलता है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि करा तो दिया सूखा डला, न्यूट्रेंट नहीं है और टेम्परेचर बहुत हाई है, सब चीज़ें हैं, तो वो क्या है उतना बाइबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये है, वैसे सबसे अच्छा है 2 से 3 दिन के अंदर आपको क्या है हेल्दी फ्लावर लेके पोलन को उसमें डाल देना चाहिए। जैसे आज कराया तो कल मॉर्निंग में आप करा सकते हैं, 3 दिन तक पीक टाइम उसका रहता है, वो जो उसका फीमेल पार्ट रहता है, उसका रिसेप्टिव जो पीरियड रहता है वो 3 डेज पीक रहता है, बट क्या है एवरेज डाटा चलता है, तो एक रेंज में चला जाता है 3-7 तक, है ना। फिर डिपेंड करता है वेराइटल उसका बिहेव नेचर कैसा है, फील्ड कंडीशंस कैसी है, कराने वाला करने वाला दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसी आप हाथ से करा सकते हैं, इसमें आसानी से पेड़ मेड छूटे नहीं, मैचुर बटका और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सूरज तो जटेगा ही, तूने सारी बोली।